मलाइका अरोड़ा के साथ अपने रिश्ते पर खुद से ही जवाब दिया। काफी कुछ उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, एक जर्नलिस्ट के साथ हुए इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने बताया, शादी को लेकर इनडायरेक्टली उनकी जो प्लानिंग थी इस पर उनका ये कहना था, अभी इस पर लंबा समय लगेगा। जी हाँ, अर्जुन कपूर का सीधा यही कहना था कि उनका शादी में अभी फिलहाल लंबा समय लगने वाला है। अर्जुन कपूर ने इसके अलावा कोविड 19 को लेकर अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दिए और साथ साथ में फिल्म इंडस्ट्रीज पर कोविड 19 की वजह से पड़ने वाले इफेक्ट पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बताया किस तरह से ये बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत बनकर आया है हर एक क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। अर्जुन कपूर ने इस मौके पर अपने फिल्म जर्नी को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा। उन्होंने बताया किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अभी फ़िलहाल मुश्किल है। फिल्म 83 और सूर्यवंशी के रिलीज डेट टलने को लेकर इसका असर कैसा होगा, इस पर भी उन्होंने कहा। उन्होंने रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा के साथ गुंडे फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। जानवी कपूर, सारा अली खान, अक्षय कुमार और वरुण धवन को हेरा फेरी के अगले सिक्वल में देखने की उन्होंने उम्मीद भी की। तो ये सारी बातें अर्जुन कपूर ने शेयर की है अपने दिल की, और वरुण धवन के साथ आने वाले समय में काम करने को लेकर इच्छा उन्होंने जाहिर की है। साथ साथ में उन्होंने बताया है कि गुंडे 2 के दूसरे सिक्वल में रणवीर और प्रियंका के साथ वो नजर आए, इसकी भी उन्हें उम्मीद है, क्योंकि रणवीर के साथ काम करना सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी उनके लिए हमेशा रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।